तेज बहादुर यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नामांकन रद्द करने के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि उनकी याचिका में कोई मेरिट नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को तगड़ी चुनौती देने की योजना पर महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तेज बहादुर यादव की शिकायत पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि तेज बहादुर की शिकायत के हर बिंदु पर गौर किया जाए और 9 मई तक कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाए। समाजवादी पार्टी की ओर से नामित और बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की याचिका पर गुरुवार को फिर से सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। बीएसएफ में कांस्टेबल रहे तेज बहादुर यादव खाने की क्वालिटी पर सवाल उठाने के बाद चर्चा में आए थे। बाद में बीएसएफ से उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया।